पूरे देश में कोरोना के मरीजों के मामले की संख्या 2 लाख से ज्यादा हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी ये तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार ने 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाओं को आगामी 9 जून से करवाने का घोर अलोकतांत्रिक फैसला लिया है। छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कलेक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। मनरेगा ही लगाएगी मध्य प्रदेश की नई अपार। इसमें कहा कि कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से खत्म करके ही परीक्षा आयोजित कराई जाए। किसी भी प्रकार के शिक्षा संबंधी निर्णय में डॉक्टर्स, छात्र संगठन, शिक्षक, अभिभावक, छात्र, जनवाद पसंद व्यक्तियों की सलाह भी ली जाए। DSO छात्र संगठन ने अपनी मांगों में शामिल किया कि छात्रों की जिंदगी परीक्षा से ज्यादा महत्व रखती है, वह मूल्यवान है। अभिभावक, शिक्षक, छात्रों को इस निर्णय का पुरजोर विरोध करना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हजारों की संख्या में छात्रों ने फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से तख्तियों पर मांगे लिखकर पोस्ट डालकर इस विरोध की आवाज को पूरे प्रदेश में फैलाया व समर्थन में खड़े हुए। इस अवसर पर ज्ञापन देने के लिए DSO प्रदेश अध्यक्ष मुदित भटनागर, प्रदेश राज्य सचिव मंडल सदस्य निवेदिता खातरकर व साथ ही राहुल सरकार, विनोद लोगारिया, आशा प्रजापति, गौरव नामदेव जिला कलेक्ट्रेट में उपस्थित रहे।